वही मैं केक जे काट लगे ओए मैं मोनू भैया के जिन्हें आरती जी के ससुर जो है उसके पास है तो आए हैं। तो अंकल जी तो उधर से अभी आ रहे थे, हम लोग बोले तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं वो बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइस अभी हम लोग हैं, कहाँ हैं? गड़गामा चौक, गड़गामा चौक पे हैं गाइस, जो पुलवा पे है समझे, अपना बसंती इधर लगा हुआ है समझे। सरवन जी है मेरे साथ। तो गाइस आप लोग का स्वागत है रॉक व्लॉग के नबका वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत खास होने वाला गाइस। तो हम लोग किसके पास जा रहे हैं आप लोग को रास्ते में बताएंगे समझे गाइस। वो पर्सन बहुत हाईलाइट में है, हाईलाइट में है सर। हाँ तो ट्रेंडिंग में चल रहा है मेरे साथ सरवन, मेरे साथ सरवन है। सरवन को भी ले लिए हैं इसका घर पर से कुशकापुर से समझे, खेरा कुशकापुर से समझे गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं, कोई स्पेशल पर्सन है लव एरिया वाला जिसको नहीं हुआ था गाइस, इधर रानीगंज तरफ वहीं जा रहे हैं समझे गाइस। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए गाइस समझे। इस ब्लॉग में बहुत खास होने वाला बसंती पे जो है अपना, यहाँ देखते हैं रॉक ब्लॉग का स्टिकर लग गया गाइस। तो हम लोग निकल रहे हैं गाइस, इधर नज़ारा कुछ अच्छा है गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं फाइनली आप लोग को बता रहे हैं कि आरती छोटू के पास समझे। आरती अब मोनू हो गया है समझे गाइस। तो इसीलिए आप लोग बने रहिए, आप लोग को मिलवाएंगे, बहुत सारा मस्ती होने वाला है। सरवन जी इधर है, मेरा भी चश्मा है, हम भी पहन लेंगे आराम से, गर्दा मचाते चले जाएंगे ठीक है गाइस। बने गाइस, तो हम लोग हैं अभी सेफगंज से आगे थोड़ा सा समझे। हम लोग घर से जो है 5 किलोमीटर परवा है, अब परवा से जो है थोड़ा सा आगे है, परवा 1-2 किलोमीटर है सेफगंज। सेफगंज रास्ते में हम लोग अभी हैं, यहाँ पे अब निकल रहे हैं फिर रानीगंज समझे। देखते हैं हम लोग आरती जी के घर पे हैं समझे। आरती जी के इधर जो है गेट में ताला लगा हुआ है, टट्टी लगा हुआ है समझे गाइस। हम लोग को घुसने नहीं दे रहा है समझे। यही घर है ना, देखते हैं ना आप लोग वीडियो में देखते होंगे, यही है मेन चौक है ना, यहाँ पे चौक से थोड़ा सा इधर आनंद बाबा का थान है यहाँ पे समझे गाइस, उसी के बगल में है, वहाँ एक गाड़ी लगा हुआ है समझे गाइस, सुल्तानवे अल्ठानवे गाड़ी लगा हुआ ठीक है गाइस। तो यही है घर, अब गेटे ना खोल रहा है तो क्या करें। अच्छा खोलवाते हैं देखते हैं क्या होता है, क्या होता है समझे गाइस। यही हाल है, गेटे ना खुल रहा है, पर्दा खुला हुआ, बोलता है चाबी ला के चल के ले बाद समझे गाइस। अब बात क्या है, क्या हुआ है, मिलने नहीं देता किसी से लोग समझे। तो बने रहिए, ब्लॉग वो भी बनाता है ब्लॉग, हम लोग भी ब्लॉग बनाते हैं, मिलना तो चाहिए। एक ब्लॉगर दूसरे यूट्यूबर से नहीं मिलेगा, यूट्यूबर यूट्यूबर से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा गाइस समझे। वो भी बनाती है ना, उसका भी काम तो यही हो गया है ठीक है गाइस। आंटी गेट खोले थोड़ा, अरे हम लोग दूर का आदमी ना है वो। आंटी अंकल से मिलवा दीजिए थोड़ा, उसके पापा है ना मोनू जी के पापा। नहीं हाँ वो सब चीज़ नहीं, हमारा रुचि छे चाची, हे चाची हमारा रुचि छे ना, गामे के ब्लॉगर छी समझ लिये, वीडियो तीडियो बनबे छे, रंग आरती जी बनबे छे ना, ओरंगी हमरो बनबे छियै तऽ एरंगे एलिये करी मिल लिये तऽ बगले के छी हमरो समझ लिये। एक बेर आके कहि देतै भए गेलै, अरे गार्जियन रहती तऽ हमरा को पहचान जेती, इतना हम बाहर में खड़ा नहीं रहती है, रंगने छी 50 किलोमीटर दूर से हमरा आयल छियै दिल्ली पंजाब से, विकास जी आबै छै तऽ इतना दूर बगल के छै, विकास जी वीडियो बनाबै छै हमरा को रोकै छै
नहीं दिल करो नहीं वो दिन अलो घर पर अलै ये आब इतना दिन अलग कनी जाल देना यही नहीं अभी और सुनिए लगता हम बगले अगले के थोड़ी दूर का आदमी जे गार्जन जाना ये तथा नहीं कोनो बात है कखा नहीं थे चाचा आप क्यों गलिए हम हूं नहीं रहिए हम भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी मीटिंग में गलिए भीओ मीटिंग रहिए समूह के हम वही तो साथ में आवे भीओ मीटिंग में गलिए वो रहती है कहे कोनो बात नहीं रहे उठे वेन कर ले तो सब ठीक कर ले गार्जन बात है चाहिए मैं तो के धरती खोलो या कहे के गार्जन रात में तब नाम का दिखल दिए देखते हैं गाइस इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका मम्मी से हम लोग को मिलने ही नहीं दे रहा मजाक बन रहा हम लोग का गांव का आदमी हम लोग बगल का आदमी है फिर भी मजाक बोलता है आरती जी का तबीयत खराब है इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए 70 लाख जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे पापा जी उसका है नहीं मनु जी है नहीं पता नहीं कहाँ गए इधर जो बाड़ी झाड़ी ना देखे थे आरती जी कोरती है मोनू आरती इधर इधर है बाड़ी झाड़ी उधर जो एक दिन ना देखे थे वीडियो में वही है गाइस उधर बाड़ी झाड़ी है इधर घर दुआर है वो सबका इधर अगल बगल से वो बाड़ी को कभी कभी साफ करती है देखते होंगे यही यही है लगा हुआ है ना बांस बल्ली सब गाइस हम लोग जो है मोनू भैया के जिन आरती जी के ससुर जो है उसके पास हैं तो आए हैं तो अंकल जी तो उधर से अभी आ रहे थे हम लोग बोले कि बगल का ही है तो थोड़ा मिलवा दीजिए मगर जो है आरती जी का तबीयत अंदाज से कान में जो है दर्द है तो यही कारण से जो है नहीं मिल पाए अंकल जी तो हल्के बुलते आ रहे थे तो अंकल जी यहाँ मिले हैं तो अंकल जी तो आरती जी का तबीयत ख़राब है ना तब बोलिए मेरा जो व्यूवर्स को कुछ देखिए जो भी दर्शकों देख रहे हैं इनका चैनल को लाइक कीजिएगा एक दिन आप कहाँ इंटरव्यू इधर दिए थे बगल में दुकान पर अंकल जी का भी तबीयत खराब है देखते हैं तबीयत इधर डायबिटीज से देखते हैं डायबिटीज से चेहरा भी जो है फुला हुआ लग रहा है आँख भी लाल है समझे आरती जी का भी तबीयत खराब है मोनू भैया है नहीं आप देखते हैं क्या होता है मगर अंकल जी का जो दवाई खाए आँख का रोशनी भी चला गया हाँ अंकल जी पहले जैसा शरीर था जिस टाइम में वो पहला न्यूज क्यों आता था उस टाइप का शरीर रहा नहीं अंकल जी का भी तबीयत देखते हैं लगभग में खराब ही है चलिए आप लोग बने रहिए अब आरती जी से अंकल जी मिलवाते हैं कि नहीं आप लोग को हम लोग भी बगले का है अंकल जी पे डिपेंड करता है मिलवाइएगा ठीक है ठीक होगा तब है ना हम देखते हैं जाकर के उधर से ठीक है अंकल जी पे हम छोड़ दिए हैं गाइस अगर मिलवाते हैं अंकल जी तो हम लोग कुछ नहीं ज़्यादा हो गया इतने टुकाना ठीक है गाइस तो आप लोग बने रहिए अंकल जी पे डिपेंड है मिलवाते हैं कि नहीं ठीक होगा तो मिलवा देंगे नहीं तो क्या कर सकते हैं ठीक है कोशिश कीजिए अंकल जी ठीक है अंकल जी जा रहे हैं अभी तेल डाले हैं सरसों का फिर भी पता नहीं आराम नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है बाकी तो डॉक्टर को फ़ोन किए हैं और अभी आएगा आप लोग ने आरती और छोटू का वीडियो अभी देख रहे होंगे देख लिए होंगे तो ठीक है गाइज तो आप लोग इस वीडियो को अगर देख लिए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा गाइज क्योंकि जो है आप लोग को बहुत ही जो है यूट्यूब क्रिएटर जितने भी हैं या कहीं मोस्ट प्लेसेस वैल्यूबल प्लेसेस फेमस प्लेसेस और जो है मंदिर मस्जिद जो भी है हम सभी को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं गाइज अभी फ़िलहाल हम अपने गाँव में हैं तो गाँव में है तो गाइज अभी तो खेत यहाँ देख रहे हैं खेत वेत है तो खेत में है तो अभी आए तो थोड़ा मौका वोका देखने के लिए गाइज समझे तो सोचे कल आए तो हमको गाइज रात हो गया 10 बज गया रात तो हम जो है मेरा बैटरी भी चार्ज नहीं था इसीलिए जो है आप लोग को जो है बाय बाय नहीं कर पाए तो फिलहाल सोच रहे हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है तो हम जो है आज जो है इसको ब्लॉग को एंड करेंगे क्योंकि गाइज जो है हम लोग का यह प्रयास कैसा रहा कि आरती छोटू से हम लोग मिलने गए आरती मोनू अब हो गए हैं जो कि ठीक है गाइज तो हम लोग ऐसा मकसद नहीं था कि वो उसके उससे सवाल जवाब करें ऐसे इस तरह से कोई व्यवहार करें उसके साथ हम लोग का सिर्फ मकसद था कि वो अब जो है बन गए हैं जो भी न्यूज़ हो मगर हम लोग अब उसके साथ जो है वो क्रिएटर बन चुके हैं यूट्यूब पे उसका फैन फॉलोइंग अच्छा है 6 मिलियन होने वाला गाइज 6 लाख सब्सक्राइबर होने वाला गाइज उसका समझे 6.91 के था कल की परसों
था ऐसे गाइज। तो आप लोग, तो मेरा ये प्रयास कैसे रहा यूट्यूबर से मिलने सबका, जो अभी हम चालू कर रहे हैं, क्योंकि अभी अररिया जिला गाँव में है, तो आसपास के लोकल जितने भी क्रिएटर हैं सभी से मिलने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है गाइज। तो कल भी जो है हम जाने वाले हैं कहीं और, ठीक है गाइज। तो मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा गाइज। बहुत बड़े बड़े फेमस प्लेसेस, मंदिर मस्जिद जितने भी हैं सभी को कवर करने वाले हैं गाइज। तो हम मेरा खेत में हैं अभी थोड़ा, आप लोग तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ओके बाय।